चलो भैया। भाई मैं डर गया, मेरे को लगा यहाँ से कुछ गया। अभी यहाँ पे 8000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी हिम्मत बांधना, क्या होता है यहाँ पर। So we say that's turning your power on. भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, खुल गया पूरा बॉडी है सामने को, फील हो रहा है एक्चुअल में। भाई यहाँ पे जो किया ना उसने, पूछी मत, तभी इतना रिलैक्स भी फील ही नहीं हुआ मेरे को। हेलो जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूँ कि व्लॉग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि व्लॉग के एंड में एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्टिंग चीज हुई है भाई के साथ कि आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। काफी वक्त से मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक आइटिनरी बनाऊँ, ताकि जो भी मेरा शेड्यूल है मंडे से लेके फ्राइडे तक, जो भी मैं व्लॉग्स बनाने वाला हूँ वो व्लॉग्स एकदम फिक्स्ड हो। तो ये जो भी आइटिनरी है इसको हम कल बनाएंगे, लेकिन आज वाले व्लॉग में जिस जगह पे हम जाने वाले वो एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और उस जगह के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको आगे आगे दूंगा। अभी टाइम हो रहा है 5 बजे, और जिस जगह हम जा रहे हैं वो 7 बजे बंद हो जाती है। अब बस जल्दी से निकलते हैं और वहीं पहुँच के बात करते हैं। पहुंच गए जी फाइनली। सो गाइस, दिस इज वेयर वी हैव कम, ग्लोबल विपासना पगोड़ा। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये। थैंक यू। अंदर चलते आपको बताते, बाहर से इतना प्यारा इतना खूबसूरत है। मैं यहाँ पे बचपन में आया था, कुछ बहुत ही ज्यादा छोटा था मैं, तब इसका काम चल रहा था और ये बिल्कुल ओपन ओपन सा था, लेकिन अब ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये इतना खूबसूरत सा। आगे आगे देखिए, आपको बहुत कुछ है बताने के। और अभी टाइम हो रहा है 6:15, हमारे पास एग्जैक्ट 45 मिनट्स है। तो गाइज़ यहाँ पे जब हम लोग आए तो हमारा जो कैमरा है उसकी बैटरी हमें जमा करनी पड़ी। तो ये व्लॉग पूरा जो है वो आईफोन से बनेगा। इतना खूबसूरत लग रहा है ये, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, और ये इतना प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है मैडम, यहाँ पे आई है कभी पहली बार? मतलब फर्स्ट टाइम है ये। दूर से दिखता था, ज़्यादा बड़ा दिखता था, अब इससे ज़्यादा बड़ा। ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वहाँ पे पता नहीं क्या है, और ये बस जो हर एक डिटेल देख रही है तू, छोटी छोटी डिटेल्स जो दी है इन लोगों ने, भाई अलग है ये। ये जो हाथी एलिफेंट्स, यहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी है हर एक चीज़ के बारे में। ये इतने प्यारे प्यारे हाथी बनाए हुए, फिर यहाँ पे लिखा है सब खुश रहे। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आप क्या क्या देख सकते हो। सबसे पहले है वीडियो हॉल, पुस्तकालय, मेडिटेशन हॉल, फोटो गैलरी, चित्रकला प्रदर्शन, प्रदर्शनी, पेंटिंग्स गैलरी। ये मुझे ना पर्सनली इसमें जाना है, पेंटिंग्स गैलरी में और फोटो गैलरी में, फिर एग्जिट, फिर घर निकल जाओ आप। हॉल के बाजू में ये जो एग्जैक्टली स्पेस है, ये है व्हील ऑफ थम्मा। यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है, मॉन्यूमेंट है, इसको क्या कहते हैं वो नहीं पता, लेकिन ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये है अशोक स्तंभ, अशोक जो यहाँ पे है। बुद्ध भगवान के जो टीचिंग्स और लेसन्स है वो सब यहाँ पे एक एक करके लिखे हैं। ये जो पूरा राउंड है वो बहुत बड़ा है, और हर एक वॉल पे हर एक जो उनकी टीचिंग है, उनकी लर्निंग्स है, वो सब इन्होंने शेयर किया है। यहाँ पे 8000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ये हॉल इतना बड़ा है, ये मेडिटेशन हॉल है, इसमें अभी भी काम शुरू है। अगर ये खुल जाता तो मैं आपको बताता, लेकिन अभी इसका काम शुरू है। ये जो पूरा पगोड़ा है ये इतना बड़ा है कि इसको एक्सप्लोर कर पाना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे इतने अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे इतने अलग अलग कोट्स हैं जिनसे सीखने हमें बहुत कुछ मिल सकता है। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये देखने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। जगह के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है तेरे पास? ये जगह इसके लिए ज़्यादा वो है, मतलब पीस का प्रतीक, भगवान बुद्ध के नाम, मतलब उनके याद के लिए जगह बनाया था। बनने के लिए पूरे 8 साल लगे थे, और ये जो मैंने बताया इसमें 8000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
लेट हो गए आने के लिए। वैसे कि आपको बताया कि 6 बजे बंद हो जाता है ये, 7 बजे बंद होता है, 7 बजे बंद हो जाता है और एग्जैक्ट 7 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाद। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे वापस से फिर से एक्सप्लोर करेंगे पेंटिंग लाइब्रेरी और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ की जो वाइब है, टाइम बिल्कुल पता नहीं चला। देखो पता चला नहीं, अभी जस्ट आए थे अपने। सर अभी टाइम नहीं पता चला। हर्ष आयरे व्लॉग्स। हर्ष आयरे, हाँ हर्ष आयरे। ये फैंस सब जगह अपने फैंस। ये व्लॉगिंग करते हैं? हाँ जी कर देना, देख लेना मन करेगा तो। ठीक है, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम प्रज्वल है। रियश, रियांश। तुम लोग डालूंगा व्लॉग में देखना, ठीक है? आज मैंने भी एक व्लॉग शूट किया, फर्स्ट व्लॉग है। क्या बात कर रहे हैं, सही है। आपके ऑडियंस को एक बार बोल देना मेरे चैनल को। हाँ, तुम्हें कोई चैनल का नाम तो बता। ये जो वीडियो डालूंगा ना, कमेंट करना, मैं करता हूँ। ये कब आ जाएंगे वीडियो? ये कल ही डाल दूंगा मैं सुबह। यहाँ की हर एक चीज़, हर एक स्ट्रक्चर इतना डिटेल में बनाया गया है कि इतना खूबसूरत लग रहा है। हर एक छोटी छोटी चीज़ पे इन लोगों ने इतना ध्यान दिया, तब जाके इसे बनने में 8 साल लगे। मैंने सोचा था कि पूरा एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले बार जब हम आएंगे तो हम एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सिर्फ मुंबई में फेमस नहीं है ये, पूरे वर्ल्ड में फेमस। यहाँ पे अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं ये देखने के लिए। जो मैडम, मज़ा आएगी नहीं? बहुत मज़ा आया। देसी जुगाड़ यार। तो इस रात को जो पकौड़ा है वो कुछ ऐसा दिखता है। हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत भीड़ थी, अब थोड़ी शांति हो गई है। सो गाइस, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। Hi guys, मेरा नाम है हर्ष आयरे। आज मैं आया था पगोड़ा, जो कि गोराई के पास है। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छे इंसान, जो कि कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर है, कैलिफोर्निया से है, कि इंडिया में आए हैं और जो हर एक शख्स की मदद कर रहे हैं। सो गाइज, ये है डॉक्टर एंथनी। हाय, अब हम जानते हैं जो भी इनका एक्सपीरियंस है और कैसे इंडिया में आके लोगों की मदद कर रहे हैं। हेलो इंडिया, नमस्ते, माय नेम इज एंथनी यूमिना, आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, कैलिफोर्निया, एंड आई वाज हियर डूइंग द 10-डे विपश्यना मेडिटेशन कोर्स, माय सेकंड वन, एंड आई हैड अ फीलिंग एंड एन अर्ज टू लीव अ लिटिल अर्ली। आई गॉट व्हाट आई केम फॉर एंड आई हैड अ फीलिंग एंड अ कॉलिंग दैट आई हैड अ फ्यू थिंग्स टू टेंड टू, एंड लो एंड बिहोल्ड ऑन माय वे आउट आई मेट दिस वंडरफुल जेंटलमैन हियर हु नीडेड। हाय गाइस, माय नेम इज ज़ुहैब एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड एंड एज वेल एज टू मिस्टर एंथनी। इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग दैट आई गॉट अ चांस टू मीट हिम एंड ट्रस्ट मी गाइस, ही इज द बेस्ट इन कायरोप्रैक्टिक। ही जस्ट डिड इट फॉर मी and I'm feeling awesome. It's a great relief. I've been having this pain from last 10 years and it's not that I'm saying ki in one shot the 10 years pain has gone, it's nothing as such, but I'm feeling very much relief. Chiropractic I started doing about 11 years ago. I started my journey. I went through some debilitating back pain myself. I was in so much pain and I ended up finding some incredible healing through chiropractic, not only physically but mentally, spiritually, energetically. And around the same time I was learning about Vipassana, I did my first course back in 2013. Oh, that's wonderful. And the whole realm of energy opened up. And my understanding of chiropractic from a mechanistic standpoint made so much sense into the energetic realm of our spiritual beings and our spiritual selves and where healing actually comes from. Everybody is the doctor. The doctor is within. My main trip here, purpose in India, is to do a service trip with my school, Life Chiropractic College West. All right. We're going to be setting up a clinic in Gujarat, Ahmedabad. All the best for that. Thank you very much. It's my first time in India, and I thought, what better way to start off my trip with a 10-day Vipassana retreat? Well, I wish you all the very best. I wish you a good success with good health, and yeah. Thank you. Blessings. That was great. It was lovely, bro. Blessings, brother. Thank you. Thanks a lot. And thank you guys for being here. So guys, finally, अब हम try करेंगे और देखते हैं कि कैसा अंदर, क्या actual में क्या feeling है और interest. Okay, first time. So just relax down. Breath. भाई, यहाँ पे थोड़ी हिम्मत बांधना. क्या होता है? यहाँ पर ठीक है. Press आएगा. देखो शायद इतना नहीं pain होगा क्योंकि थोड़ा हल्का pain है मेरा ज़्यादा. वैसे. Wow. Are you comfortable with me adjusting your neck? Yes. Okay. So I need you just totally relax. Don't try to hold your head up, let it fall. Deep breath. Beautiful. Wow, your body खुल गई पूरी मेरी.
feels good. नहीं सब बहुत जरूरी है करना. हाँ मैंने देखे हैं ऐसे videos. So we say that's turning your power on. Okay. Because your brain controls every cell, organ, and tissue in your body. And if your spine is like this, the brain is not communicating with the body, and the body is not communicating with the brain. So this is why I love Vipassana so much. Because Vipassana teaches the connection and being able to I would alive. Say, feel alive, but to also, you kind of awaken the body, and it allows you to feel and connect so much more. सब फील हो रहा है, अलग ही फील हो रहा है एकदम. मतलब सर ब्रीदिंग एकदम सांसें के अंदर अटकी हुई थी. हां अभी अपनी कर रही है ना. सही में नाइस टू मीट यू. थैंक यू सो मच. प्लेजर टू मीट यू. भाई मजाक नहीं कर रहा हूं. खुल गया पूरा बॉडी ऐसा मेरे को फील हो रहा है एक्चुअली में. भाई यहां पे जो किया ना उसने पूछ ही मत. अभी इतना रिलैक्स भी फील ही नहीं हुआ मेरे को. कभी नहीं सही में मजाक नहीं कर रहा हूं. मेरे को तो लगा गर्दन ही तोड़ देगा दो मिनट के लिए. लेकिन बाद में बताता हूँ, घर जाके बताता हूँ. नाइस. यहाँ पे जब हम आए और जब हमें पता चला कि ये 7 बजे बंद हो जाता है, तब मेरा मूड ऑफ थोड़ा सा हो गया था. लेकिन उसके बाद जब मैं एंथनी से मिला, डॉक्टर एंथनी, तो उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, क्या मेरे को पता ही नहीं था एक्चुअल में कि होता क्या है इससे. लेकिन जब उन्होंने किया, भाई साहब मेरी जो ये मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मेरी पीठ ना अकड़ी पड़ी रहती है. पता नहीं क्यों, मेरे को पता ही नहीं था एक्चुअल में कि ऐसा भी होता है. जब उन्होंने वो काइरोप्रैक्टिक किया तो मेरी पीठ खुल गई भाई. और मेरी जो ब्रीदिंग थी ना, मैं मजा नहीं आ रहा, जो सांसें ले रहा था ना मैं, लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि इतनी क्लीन सांसें आ रही है मेरे को. पता है तेरे को, और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा रात हो गई है. अब हम यहाँ से जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे घर जाके. बाय. ये हमारी प्यारी सी बाइक, लेट्स गो होम. भाई क्या सन्नाटा इधर, तेरे को नहीं लग रहा? चलो भैया. भाई मैं डर गया, मेरे को लगा यहाँ से कुछ गया. अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. Actually, I wanted to tell you something. Like, you are a doctor, right? Student. Like, yes. You're gonna be a doctor yes. someday. I saw a movie like Doctor Strange in Multiverse of Madness. You totally look like him. I need to grow the facial hair. Yeah, exactly. It was really nice meeting you. Namaste. 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 Thank you. Bye.